यू सर के इस स्टूडियो में मैं डॉक्टर ओम प्रकाश नौटियाल सभी आपके दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत करते हुए आपसे आज नए जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर बीके छिब्बर साहब। आप फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी एमएससी की डिग्री प्राप्त हैं। आपने फ्यूल एंड लुब्रिकेंट पे ही पीएचडी किया हुआ है, शोध कार्य किया है। आपका लगभग 40 साल का 38 ईयर से भी ऊपर का आपका एक्सपीरियंस रहा है रिसर्च का। साथ साथ आपने आईडीपीएल में भी एक वैज्ञानिक के तौर पे, एक रिसर्चर के तौर पे 7 साल से भी ज़्यादा का काम किया है। आपके लगभग जो 80 रिसर्च पेपर हैं, जो शोध पत्र होते हैं, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। आपके द्वारा 2 किताबों का भी लेखन किया गया है। साथ ही आपके जो है 100 से ऊपर टेक्निकल रिपोर्ट आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, जो हमारे बच्चे शायद नहीं जानते होंगे, कि एक पेटेंट हुआ करता है, कि एक जो एक यूनिक होता है कि एक विशेष खोज के लिए किसी पूरे विश्व में किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए जो है पेटेंट मिला करता है। तो डॉक्टर छिब्बर साहब का 14 ऐसे जो है पेटेंट हैं आपके नाम से। आपके अंडर में कई शोधार्थी शोध कर रहे हैं, लगभग 11 एक दर्जन कह लीजिए, एक दर्जन विद्यार्थियों ने आपके अंडर में शोध कर चुके हैं, तथा 8 स्टूडेंट अभी भी आपके अंडर में शोध कर रहे हैं। तो ऐसे महान प्रतिभा के धनी, और जो इतना कुछ आपके जो 40 साल तक जिन्होंने रिसर्च किया हो, खास तौर पे केवल लुब्रिकेंट में ही और फ्यूल में, जिसकी क्या आवश्यकता भी है, जैसे चर्चा की जाती है कि हमारे भारत में लगभग 30% ही जो फ्यूल एंड लुब्रिकेंट है उपलब्ध है, लगभग 70% बाहर से हम आयात करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सारी इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है कि ये फ्यूल और लुब्रिकेंट यदि हमारे पास उपलब्ध हो जाए या फिर इसका अल्टरनेट हमारे पास उपलब्ध हो जाए, तो निसंदेह जो हम पैसा, जो वक्त, जो स्ट्रेटजी इसको उपलब्ध कराने में लगाते हैं, हम उसका उपयोग अपने जो जनता की भलाई के लिए और जो कॉमन मैन की भलाई के लिए वो वक्त और पैसा लगा सकते हैं। तो छिब्बर साहब, आपका स्वागत है, और मैं चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे दर्शकों को आप फ्यूल एंड लुब्रिकेंट के बारे में बेसिक से समझा करके कि ये क्या चीज है, कैसे उपलब्ध होता है, और हमारे इंडिया में कैसे कैसे ये बनता है, और इसका क्या अल्टरनेट है, जैसे जो है बायोफ्यूल्स की जो बात की जाती है। हमारे यदि उत्तराखंड की मैं बात करूं, हमारे पास बहुत सारी चीजें यहाँ पे बायो के रूप में उपलब्ध हैं, तो क्या उन पेड़ पौधों से, उनकी पत्तियों से, उनकी छाल से, क्या इस प्रकार का कुछ अल्टरनेट फ्यूल हम बना सकते हैं? तो मैं चाहूंगा कि आपका, चूंकि इतना बड़ा एक वास्ट अनुभव रहा है, तो कृपया हमारे बच्चों को प्लीज आप बताएं। धन्यवाद डॉक्टर नौटियाल साहब। मैं सबसे पहले तो आपके संस्थान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे एक अवसर प्रदान किया है कि मैं आप उत्तराखंड के दूर दूर बैठे हुए बच्चों के लिए मैं कुछ शब्द, अपना जो एक्सपीरियंस है, उनसे शेयर कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे सबसे पहले, जैसा कि सर ने अभी बताया, ईंधन, जब ईंधन कहते हैं तो ईंधन एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिना ईंधन के कोई भी कार्य नहीं हो सकता, ना आपके मोटर चल सकते हैं, ना आपके ट्यूबवेल चल सकते हैं, ना कोई कुछ घर का खाना बन सकता है। ईंधन एक ऐसी चीज़ है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफिकली कंडीशन के हिसाब से ईंधन कैसे प्राप्त हुआ हमें, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि सारा ईंधन हिमालय के अंदर छुपा हुआ था। आज जो हम भारतवासी उसको निकाल नहीं पाए, ये सारा का सारा नीचे से समुन्द्र से होते हुए अरब कंट्री की तरफ ये अग्रसित हो गया और वहां अकोमोडेट हो रहा है। और हिंदुस्तान ने, हमारी भारतवर्ष ने, एक पहला कुआं जो निकाला गया, खोदा गया, वो बॉम्बे हाइट है। समुन्द्र की तह से, सतह के से, नीचे से समुन्द्र से हमने फ्यूल निकाला, जिससे वो फ्यूल, वो ईंधन जो आज हमारी इकोनॉमी को वो शेयर कर रहा है, बचा रहा है। अगर ये भी ईंधन ना होता तो शायद हमें सारा का सारा ईंधन बाहर से लेना पड़ता। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से वर्षों पहले असम में ये सारी क्रूड के वेल हैं, गंदे तेल के वेल हैं, जिनसे
ईंधन वहां से निकाला जा सकता है, पर ईंधन का भरा हुआ असम है पूरा नॉर्थ ईस्ट, पर सबसे बड़ा कठिन कार्य क्या है कि वो रॉक्स में आपकी चट्टानों के अंदर फंसा हुआ है। आपको ये जान के खुशी होगी कि उस कार्य के लिए आईएपी जिस संस्थान में मैंने काम किया है उसमें मैं और आपके ही इस संस्थान के डॉक्टर एस के खन्ना साहब ने, हम लोगों ने मिलकर एक सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन बनाया था जिसे कहते हैं प्राइमरी रिकवरी फ्यूल। वो सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन आपके जब उसको इंजेक्ट करके पहाड़ों के उसकी सतह तक भेजते थे और उसको निकाल लेते थे, ये कार्य हमने ONGC ने और IIP ने मिलकर किया था। ये सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन का श्रेय मैं अपने आप को और खन्ना साहब को, जो डॉक्टर खन्ना साहब जो आपके संस्थान के हैं, इनको जाता है। ये श्रेय लेने की बात नहीं है, ये है कि हमने अपने भारतवर्ष में कुछ कार्य करने के लिए कुछ उस हमने कार्य किया जिसकी वजह से वहां असम से भी हमने जो 20% ऑयल निकाल सकते थे आज 70% ऑयल निकालने के लिए क्षमता है। अभी भी 30% ऑयल उसके रॉक्स के अंदर ट्रैप है। आप यंग जनरेशन ने आगे बढ़ो, सोचो कि कैसे ये 30% भी हम ऑयल आगे हम निकाल सकें ताकि भारतवर्ष आत्मनिर्भर हो सके ईंधन के मामले में। मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं, इस समय घर में भी कोई घर चलाने के लिए भी कुछ अमाउंट चाहिए। हम एक घर का परिवार जब चलता है तो उसके लिए भी हमें कुछ आमदनी पैसा चाहिए। उस पैसे में अगर वो सारा पैसा हम उधार पे दे दें तो घर कैसे चलाएं? वही हमारे भारतवर्ष के साथ हो रहा है। हम ईंधन अभी तक पूरे इस देश में 30% इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं या निकाल रहे हैं, 70% बच्चों हम ऑयल बाहर से खरीद रहे हैं। अब ये देखिए 70% के लिए हमें विदेशी मुद्रा पे निर्भर करना पड़ता है और अपनी मुद्रा हमें बाहर भेजनी पड़ती है, जिसके कारण हम लोग पूरे गरीब के गरीब होने हो जाते हैं। अभी ये मत देखो कि हम कितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हैं, पर जब तक जिस कंट्री के पास ईंधन नहीं है वो एडवांस नहीं गिना जाता। आप आज देख लीजिए छोटे छोटे कंट्री हैं, जैसे आपके पास सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है, और छोटी छोटी ये आपका ये अरब की कंट्रीज हैं, इनके पास कुछ नहीं है, रेगिस्तान है, पर इनके पास ऑयल है। ये सारी चीजें वर्ल्ड से खरीद सकते हैं, दुनिया से खरीद सकते हैं। इस वजह से हमें सबसे पहले हमें ईंधन के ऊपर सारी अपनी फोर्सेस लगानी चाहिए, ताकत लगानी चाहिए, ब्रेन लगाना चाहिए। ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको अब थोड़ा सा ये बताऊंगा कि ईंधन है क्या। ईंधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी ईंधन और एक सेकेंडरी ईंधन। प्राइमरी ईंधन बच्चों आप हर जगह देख सकते हो, जैसे पत्ते हैं, आप गांव में रहते हो, टहनिए हैं, गोबर है, आप एनिमल्स का ये वो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये सब का सब क्या है, जब सूख जाता है तो जलाने के काम में आता है। इस ऊर्जा से हम क्या करते हैं, घर का कार्य करते हैं, खाना बनाते हैं, अपना ये पानी गर्म कर लेते हैं, हर चीज सब कर लेते हैं। तो अब मैं थोड़ी इसी के ऊपर मैं कहूंगा ईंधन की परिभाषा क्या हुई, अंग्रेजी में लूंगा फिर हिंदी में बताऊंगा। ईंधन क्या है, एनी कंबस्टेबल मटीरियल विच ऑन कंबस्टन गिव्स हीट एनर्जी एंड दैट हीट एनर्जी इज यूटिलाइज इन डोमेस्टिक वर्क और इन इंडस्ट्रियल वर्क। कहने का मतलब यह है ईंधन वो ज्वलनशील एक पदार्थ है जिसके जलने के बाद ऊर्जा देता है, और वो ऊर्जा हम तो या तो घरों के काम में लगाते हैं या हम इसके कारखानों के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऐसी ईंधन ये हो गई हमारी जो कि हमें हर जगह मिल जाता है। अब गोबर है हमारे घर, जैसे अब वो गोबर है, ये क्या करते हैं कि पाके बना के हम इसको सुखा लेते हैं और इसको ईंधन के रूप में हम गांव में यूज करते हैं, गांव में क्या इवन शहरों में भी यूज करते हैं। तो ये एक नेचर ने हमें दिया है। और दूसरा जो मैंने कहा सेकेंडरी वो ईंधन है जो कि हमें धरती देती है, धरती से, जैसे मैंने अभी कहा कि बॉम्बे हाई से मिला, तो ये क्या है, समुद्र की तरह से मिला, धरती का ही पार्ट है। और मैं जब कह रहा हूं असम से मिलता है, असम भी क्या है, पार्ट है, ये उसके चट्टानों से मिला, तो ये ईंधन
ये ईंधन कौन सा मिला? ये गंदा तेल मिला। अब आपको मैं बताऊंगा कि गंदा तेल है, ये कैसे हम आगे इसको साफ करते हैं। इसके लिए मैं ब्लैक बोर्ड का यूज करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अब मैंने कहा क्रूड ऑयल ये हमें धरती से प्राप्त होता है। मैंने जब कहा कि ईंधन जो है दो प्रकार का है, द पहला क्या है प्राइमरी प्राथमिक एंड दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी को मैं क्या कहूंगा कि ये ऑयल क्रूड ऑयल गंदा तेल हमें रॉक्स के अंदर, ये रॉक्स हैं और इसके अंदर ट्रैप है ऑयल। ऑयल यहां है, क्या करता है कि ऑयल इस इनके पोर्स के अंदर भी चला जाता है। जो मैंने पहले भी आपको बताया कि आईएबी ने एक सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन बनाया था जिसमें हमारे आपके संस्थान के खन्ना साहब, डॉक्टर खन्ना साहब और मैंने ये मिलकर एक सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन बनाया था। और ये सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन क्या करता है, इस पोर्स को खोल देता है और इससे पंप से हम ऑयल को बाहर ले लेते हैं। ये गंदा तेल है, क्रूड है, क्रूड मीन गंदा। एंड इसको क्या करते हैं, जब ये आता है बॉम्बे हाई से तो इसके ये डिफरेंट डिफरेंट टैंक बने हुए, हम क्या करते हैं ये ऑयल इधर ले आते हैं। और ये क्या होता है गंदा तेल के साथ क्या क्या है, क्रूड ऑयल प्लस मड है प्लस वाटर है। अब क्या होता है कि जब ये मड जो है, मड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और ये नीचे बैठ जाती है, ये मड जो है सबसे नीचे बैठ जाती है, उसके ऊपर पानी आ जाता है वाटर, और सबसे डेंसिटी जो कम होती है वो ऑयल की होती है। डेंसिटी उसकी ऑयल की कम होने की वजह से ये ऊपर रहता है। हम क्या करते हैं, हमारे पास सिस्टम है, इसको ये दो लेयर जो हैं ये हम ड्रेन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब ये आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया ऑयल, थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी मड। इसको भी सेटल होने दो, जैसे कोई भी चीज सेटल हो जाती है तो मड जो है नीचे बैठ जाएगी, पानी हो रहेगा और हम फिर दो ये लेयर बाहर निकाल लेंगे, ये बाहर निकाल लेंगे, फिर हमारे पास ऑयल रहेगा। ये ऑयल हम ले आएंगे, ये ऑयल हमने ले लिया गंदा तेल, थोड़ा सा इसमें पानी भी होगा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, थोड़े से उसके पानी के उसके ड्रॉप्स होंगे जो ऑयल के साथ मिक्स होंगे। और ये ऑयल हम ये इसको फिर रिफाइनरीज में भेजते हैं, शोध कारखानों में, जहां की ये साफ हो जाता है। आपको जान के ये भी खुशी होगी, ये ऑयल अब आप देखिए, आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन में हम ऑयल के अलग अलग निकाल लेते हैं, ये कॉलम होते हैं बड़े बड़े, ये कॉलम है। आप ऑयल के ये यहां से हीट जा रही है और यहां से हम ये गंदा तेल डाल रहे हैं और ये एक चिमनी है जिससे गैसेस निकल जाती है, ये गैसेस है। अब मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि कौन कौन से पदार्थ इस गंदे तेल से हमें मिलते हैं। ये जो होता है इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या मतलब, ये तेल के कण को छोटे छोटे भाग में तोड़ देता है। जैसे सबसे पहले तो गैसेस निकल जाएंगी, आपने देखा होगा घरों में जो ईंधन यूज कर रहे हो गैस के रूप में, ये कार्बन का नंबर C1 to C5 है, ये गैस है। ये घरों में जो आपके सिलेंडर आते हैं ये गैस के रूप में आते हैं, आपको लगता है कि लीक पानी है। इस गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे इसको दबा देते हैं और ये लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है और हम वेट के हिसाब से इसको सिलेंडर को ले लेते हैं घरों में ईंधन के रूप में, जिसको आप एलपीजी गैस कहते हो या आप ये इंडियन गैस कहते हो, घरों के अंदर सबके पास है। ये जो है क्या,
गैसेस हैं, मीथेन है, इथेन है, पेंटेन है, ये सब आप बारहवीं के अगर विद्यार्थी हो तो ये मीथेन, पेंटेन, इथेन सब जानते भी होंगे। ये गैसेस हैं, लाइटर गैसेस हैं, कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस करने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। लिक्विड फॉर्म में आने से आप इसको सिलेंडर में भर के हम इसको ईंधन के रूप में यूज करते हैं। फिर क्या आता है, नेक्स्ट फ्रैक्शन आता है, नेफ्था आता है। नेफ्था भी आपने नाम सुना होगा, ये नेफ्था है, सॉल्वेंट का काम करता है। जब भी पेंट करते हो, कुछ भी काम करते हो, वॉश करना होता है, किसी पार्ट्स को धोना है, वो ये नेफ्था काम आता है। फिर है आपका गैसोलीन, जिसको पेट्रोल कहते हो, हमें गैसोलीन मिलता है, पेट्रोल मिलता है। उसके बाद हमें ये यहां फिर ये आपका डीजल आ जाता है, डीजल का फ्रैक्शन मिलता है, और डीजल के बाद हमें केरोसिन ऑयल मिल जाता है, केरोसिन ऑयल जो घरों में भी यूज करते हो, और इसके बाद कई और पदार्थ मिलते हैं, और ये लास्ट में आपको लुब्रिकेंट ऑयल भी मिल जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिल जाता है। मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है, ये भी मिलता है, कोल टार भी मिलता है, इसका नाम भी आपने सुना होगा, जितनी भी हमारी रोड्स हैं इस कोल टार से बनते हैं। आपको जान के बड़ी खुशी होगी, क्रूड ऑयल हमने अगर 10 ग्राम लिया है तो 10 ग्राम का ही प्रोडक्ट मिला है, इसमें कोई लॉस नहीं होता, उसमें हर फ्रैक्शन टूट जाते हैं, पेट्रोल बन जाता है, डीजल बन जाता है, नेफ्था बन जाता है, केरोसिन ऑयल बन जाएगा, हर चीज बन जाएगी, लुब्रिकेटिंग ऑयल बन जाएगी, कोल टार बन जाएगा। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट दुनिया में नहीं जो जितना लो उतना ही उसका प्रोडक्ट ले लो। तो ये इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, क्रूड ऑयल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जिस कंट्री के पास क्रूड ऑयल है वो सबसे रिच माना जाता है। हमारा भारतवर्ष भी काफी रिसर्च कर रहा है, आप लोगों को जानकर खुशी होगी, हमें ऑयल गोदावरी रिवर से भी मिला है, जो गुजरात के पास है, काफी ऑयल मिला है, किसी दिन भी वो सर्वे हो सकता है। हमें और भी वेल मिलने की, कुएं मिलने की हमें आशा है, एंड हम ये जानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में हमारा भारतवर्ष भी सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब मैं आपको ईंधन के बारे में बताता हूं, आपने ये तो देख लिया, ईंधन होता क्या है। ईंधन, अब ये सेकेंडरी मैंने कहा, तो सेकेंडरी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ क्रूड ऑयल है। आप ये देखिए, इसकी दूसरी शाखा भी एक और है कि हमें धरती से कोयला भी मिलता है, जिसका मैंने जिक्र अभी नहीं किया। कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला भी दिस कंट्री के, एंड आपको जानकर खुशी होगी कि भारत वर्ष हमारा दुनिया में तीसरा या चौथा स्थान है जो कोयले को प्रोड्यूस करता है। ईंधन की भारत वर्ष में कोई कमी नहीं, अगर ईंधन क्रूड ऑयल के रूप में नहीं तो ईंधन हमें ये इस रूप में कोयले के रूप में मिल रहा है। ईंधन हमें ये आपके पास जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इससे भी हमें मिल रहा है। ये मैं एक एक करके सब आपको बताऊंगा। अभी आपने कहा कोयला मिला, कोयला हमारे पास झारखंड के एरिया में बहुत पाया जाता है, और कुछ पाउडर फॉर्म में कोयला हमें अपना उधमपुर में भी पाया जाता है। अब आया कि हमने ईंधन तो ले लिया, ईंधन तो हमने निकाल दिया, ईंधन क्या है, इस परिभाषा में मैंने बता दी, एनी कंबस्टेबल मटीरियल विच ऑन कंबस्शन गिव हीट एनर्जी एंड दैट हीट एनर्जी इज यूटिलाइज आइदर इन डोमेस्टिक वर्क और इंडस्ट्रियल वर्क। कहने का मतलब ईंधन की परिभाषा क्या है, वो ज्वलनशील पदार्थ है जो जलने के बाद ऊर्जा देता है, ऊर्जा देने के लिए उस ऊर्जा को हम घरों के कार्य के लिए या हम कारखानों के रूप में उसकी एनर्जी को यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आया एक ईंधन और भी कोयले के साथ साथ, आजकल आपने देखा है थर्ड क्या है, गैसेस हैं। जो गैसेस इन्वॉल्व होती हैं जब हम क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, इनको कहते हैं एलपीजी गैस, नाम बहुत सुना होगा, सॉरी एलपीजी द लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ये देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो घरों में आप यूज कर रहे हो, इसी को एलपीजी कहते हैं। आजकल आपको जान के खुशी भी होगी,
सब हमारे व्हीकल भी एलपीजी के ऊपर भी चल रहे हैं और सोलर एनर्जी पे भी चल रहे हैं। ऊर्जा प्राप्त हम बड़े तरीकों से कर सकते हैं। ईंधन जो है हम कई रूप से ले सकते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम। जैसे हमारा प्रांत पानी से भरा हुआ है, नदियां हमारे पास बहुत हैं, थोड़े थोड़े जगह पे आपने देखा है टीरी डैम बना हुआ है जिसमें हमें ऊर्जा बड़ी प्राप्त होती है, जिससे हमारे प्राण खुशहाल है, हर गांव खुशहाल है। और इसी की जरूरत को देखते हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिक छोटे छोटे झरने हमने पावर स्टेशन बनाए हुए जो उस स्थान की ऊर्जा का पूर्ति करते हैं। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक के साथ फिर हमारे पास सोलर एनर्जी है, एंड सोलर एनर्जी हमें सूरज से प्राप्त होती है। इससे बैटरी चार्ज हो जाती है। आपने देखा होगा गांव में सोलर एनर्जी के स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। सोलर एनर्जी की स्ट्रीट लाइट किस काम पे आती है? ये भी तो एनर्जी है। जब हम केरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल से लैंप को जला सकते हैं, तो सोलर की एनर्जी से बैटरी को चार्ज करके, बैटरी को चार्ज करने से हम उसे ऊर्जा मिलती है, वो रात को यूटिलाइज कर सकते हैं। या आपने देखा होगा छोटे छोटे कुएं होते हैं, उनमें से पानी भी निकालने के काम आते हैं। आपने कई बार आप गांव में या शहरों में भी गन्ने का रस भी आपने निकालते हुए देखा होगा। ये क्या है? सारा गंदा तेल इस मशीनरी में डाल के उसका ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और उससे हम रस निकालते हैं। बड़ी काफी कार्य हम इसी से कर सकते हैं। अब जब मैंने कहा कि ईंधन कहने से तो कुछ नहीं होता, इसके बारे में हमें, जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज लाए, और कोई चीज लाए तो क्या चीज लाए? हम एक किलो उसका यूनिट होता है। इसी प्रकार ईंधन का भी यूनिट है, ईंधन के यूनिट है। किस से उसकी ताकत को जाना जाएगा? तो वो होता है कैलोरीज। हमेशा कभी भी ऊर्जा को हम यही कहेंगे इतनी कैलोरीज चाहिए। अब आप ये देखिए, शरीर में अगर खाना नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं आएगी, वो ताकत कहां से मिलेगी? खाना खाने से हमारी ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा को हम कहते हैं कैलोरीज कहते हैं। अब आया कि कैलोरी की परिभाषा क्या है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, मैं हिंदी में ही बताऊंगा, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वॉटर, 1 ग्राम ऑफ वॉटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का परिभाषा क्या है? कितनी एनर्जी चाहिए कि 1 ग्राम पानी को, इसमें पानी का वजन क्या है, 1 ग्राम पानी को कितनी ऊर्जा चाहिए 1 डिग्री तक हीट करने के लिए, उसको कैलोरीज कहते हैं। कैसे का मतलब कैसे है? आपने थर्मामीटर लगाया, शुरू में पानी का टेम्परेचर मान लिया 20 डिग्री है, 1 ग्राम पानी लिया आपने, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमने ऊर्जा दी 20 से 21 तक ले गए, ये 1 डिग्री हमें मिला, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री तक ऊपर ले जाने के लिए जितनी ऊर्जा लगी उसे कैलोरीज कहते हैं। सिमिलरली किलो कैलोरीज में कुछ नहीं, हमने यहां 1 ग्राम पानी लिया था 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, यहां किलो कैलोरीज में क्या है, 1000 ग्राम पानी लेंगे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इसको कहते हैं किलो कैलोरी। और फिर हमारे पास आता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये भी एक ईंधन का यूनिट है। और ये क्या होता है, 1 पाउंड ऑफ ए वाटर, अंग्रेजों के टाइम में पहले पाउंड हुआ करते थे, तो हम कहते हैं 1 पाउंड ऑफ ए वाटर, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ ए वाटर थ्रू 1 डिग्री फॉरनहाइट। ऐसी चीजों को हम ईंधन के रूप में, उसकी परिभाषा के कैलोरीज क्या होती है ये जानना बहुत जरूरी है। यूनिट किलो कैलोरीज, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये आपके सारे। अब आया
कि ईंधन के बारे में बताऊंगा। अब हम कहते हैं हमारे पास ईंधन है नहीं, तो क्या कर रहे हैं? आपने बायोफ्यूल का नाम बहुत सुना होगा, आपने बायोफ्यूल का नाम सुना होगा। हम बार रोज रोज कहते हैं बायोफ्यूल, बायोफ्यूल एंड बायोलुब्रिकेंट। मैं एक एक करके इसको लूंगा, पहले आपको लुब्रिकेंट भी बताऊंगा, पर बायोफ्यूल का मैं बताने जा रहा हूं। बायोफ्यूल, ये आपको जान के खुशी होगी कि सबसे ज्यादा साल सीड हमारे उत्तराखंड में बहुत पाया जाता है। इसके पेड़ ट्रेमेंडस लगे हुए हैं सारे उत्तरकाशी इस साइड एरिया में, इतना है साल सीड। इसके अंदर ऑयल है, ये नॉन एडेबल ऑयल है। जब हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, बायोफ्यूल क्या है? एस्टर है किसी ऑयल का। कैसे बनाते हैं? ये साल सीड है। साल सीड में क्या है? ये नॉन एडेबल ऑयल है, ये भी है, खाने के लायक नहीं है, नॉन एडेबल ऑयल। ये क्या है? नॉन एडेबल ऑयल है, खाने के लायक नहीं है। इनको ये वेस्ट जाता है, तो इस ऑयल को हम अपना एनर्जी के लिए यूज कर लें तो सबसे बढ़िया होता है। नॉन एडेबल ऑयल में बच्चों क्या होता है? फैटी एसिड होते हैं। अब मैं फैटी एसिड बताऊंगा क्या है। कितने भी खाने के तेल हो या ना खाने के तेल हो, सब में फैटी एसिड होते हैं। अब फैटी एसिड क्या होते हैं? RCOOH, ये फैटी एसिड है। फैटी एसिड जब किसी अल्कोहल से क्रिया करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से, अल्कोहल से क्रिया करते हैं, किसके रिएक्शन में? HCl के रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन लिबरेट होते हैं। आप ये देखते हो, ये OH और ये H मिलके पानी बना लेते हैं, और बाकी आपके पास रह जाता है RCOOR-. ये क्या है? एस्टर। आपने क्या किया? ये नॉन एडेबल ऑयल, ना खाने वाला तेल, उसके अंदर फैटी एसिड था। फैटी एसिड से हमने अल्कोहल से रिएक्ट किया, एस्टर बना लिया, पानी अलग कर दिया। ये जो एस्टर बना, ये हमारा ईंधन के रूप में हो सकता है, यूज हो सकता है। एस्टर से भी गाड़ियां चला सकते हो। ये ईंधन, इसमें हम क्या करते हैं, 80% और 20% की रेशो में ये मिनरल ऑयल है। ये आपका मिनरल ऑयल की वजह से मैं कहूं, इवन कहेंगे पेट्रोल डीजल है, और ये हमारा एस्टर है जो हमने किससे बनाया? वेजिटेबल ऑयल से। और ये जब ब्लेंड कर देते हैं तो 100% हमें मिल जाता है, ऑयल मिल जाता है, जिससे हम अपनी गाड़ियां और कोई बन। अब इसका फायदा क्या है? अब मेरे से ये पूछ सकते हो, एस्टर डाल दिया तो क्या हो गया? अब अगर 100% हम डीजल लेके अपनी गाड़ियों को चलाते हैं, पोल्यूशन बहुत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत प्रोड्यूस होती है, जो हमारे वातावरण को खराब करती है, उसी से इन्वायरमेंटल भी खराब हो जाता है। और जितना भी आज जो आप देख रहे हो पहाड़ों में भी गर्मी है, जबकि सर्दी का मौसम होना चाहिए, वो भी है। ये क्यों है? ये सारा चेंज हमारा ये है कि जो कि हम पोल्यूशन इतना हो गया है कि जिसकी वजह से हमारा सारा वातावरण दूषित हो गया है। अब ये जो है, ये एस्टर क्या करता है? 100% जब डीजल यूज करते थे या एक पदार्थ यूज करते थे क्रूड ऑयल का, तो उसमें से सपोज मैं कहता हूं 80% पोल्यूशन होती थी जो हमारे वातावरण को गंदा करती थी। अब 20% तो ये आ गया, अब ये कम हो गई, 60% आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? कम से कम हम बायोडीजल से एक तो पूरा डीजल हम यूज नहीं करेंगे, एक अपने वातावरण को बचाएंगे, एक हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, हमारे पास प्लेंटी ऑफ थिंग्स हैं, सारा काम हम इसके ऊपर कर सकते हैं। अभी इसी के रूप में मैं बायोफ्यूल के ऊपर भी बोलूंगा। बायोफ्यूल क्या है? बायोफ्यूल, जैसे अब मैं बायोफ्यूल का कहता हूं, बायोफ्यूल पेट्रोल को भी, अब इसमें फिर मैं कहता हूं, आपने गन्ने का देखा होगा, गन्ने से क्या करते हैं, उसका छिलके को रस निकाल लेते हैं और छिलका रह जाता है,
उसको बगासे भी कहते हैं, आप गन्ने का छिलका भी कह सकते हैं, उसके से भी हम ईंधन प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो ईंधन हम अपनी गाड़ियों, कारों, बसों में यूज कर सकते हैं। एक दूसरा और है नॉन ईडेबल ऑयल, हम फिर एस्टर बनाएंगे और एस्टर बना के ये पेट्रोल में भी, पेट्रोल में क्या करना है, हमने अल्कोहल, सॉरी मैंने एस्टर नहीं अल्कोहल बनाएंगे। अल्कोहल हमें कहां से मिलेगा, ये बगासे से मिलेगा, गन्ने के रस से मिलेगा और यहां से हमें अल्कोहल मिल जाएगी और ये भी हमें हमें इसके पोल्यूशन कम करने में सहायक होगी। अब इसमें भी क्या होता है, ये भी 80% और 20% रेशो में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 80% और 20% में कन्वर्ट करने से क्या होगा, पोल्यूशन कम हो जाएगी, हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और इसे इन चीजों को बायोफ्यूल और बायोडीजल जो कि आम आपने देखा होगा बाजारों में, पेट्रोल पंप में, ये सब। अब थोड़ा सा मैं लुब्रिकेंट के ऊपर आऊंगा। लुब्रिकेंट क्या है, कोई भी चिकना, अब ये देखिए कि आप कोई भी चीज लुब्रिकेंट, जनरल लुब्रिकेंट क्या है, अब सरसों का तेल आप इस्तेमाल करते हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, आप आपने कभी देखा अपने हाथ को ऐसे रब करो तो हीट प्रोड्यूस होती है और ये हीट होती है कैसे हुआ, रबिंग से रफ सरफेस बन गई। इसी में मैं ऑयल, ये अपना सरसों का तेल लगा लेता हूं तो मेरे हाथ स्लिप करना शुरू हो जाएंगे, उसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन कम हो गई, पहले फ्रिक्शन ज्यादा थी, फ्रिक्शन कम हुई तो मैं अपनी, मेरी एक हाथ की लाइफ भी बढ़ जाएगी, खराब नहीं होंगे, रफ नहीं होंगे। यही हमारे प्रिंसिपल हमारे व्हीकल के ऊपर भी अप्लाई होता है। आपने देखा होगा स्कूटर में तेल भरवाने जाते हो साथ में वो 20 ml लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं। कभी आपने सोचा कि क्यों डालते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल का क्या पर्पस है, क्यों डालते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसलिए डालते हैं कि चिकनाहट आए सॉरी चिकनाहट आए, चिकनाहट से क्या है वो स्लिपरी टेंडेंसी हो जाएगी। आपके सारे पार्ट स्कूटर के, गाड़ी के, सारे स्टील के होते हैं, जब उनके अंदर फ्यूल बर्न करने का आपस में रगड़ होगी तो क्या होता है, दो चीजें, ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, अगर मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, अगर आप ये देखिए जब ये प्लेट आपको सब स्मूथ लगती है पर स्मूथ होती नहीं, क्यों, मैंने माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये इस तरीके से प्लेट होगी, पीक्स एंड वैली होगी सब जगह, ये भी होगी। अगर मैंने इन पीक्स एंड वैली ये देखूंगा और अगर मैं इसको रब करूंगा तो ये पीक इसके साथ मिल जाएगी, हीट प्रोड्यूस होगी और वेल्डिंग हो जाएगी। वेल्डिंग होने से अब हम क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल इसके अंदर डाल देते हैं जो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। विस्कोसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट उसका एक सिद्धांत है, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो ऑयल अच्छा होगा। अब ये मैंने डाल दिया, होता क्या है, ये जो आप मैंने समझाया ये पीक्स, ये ऑयल सारा इसके अंदर भर जाता है और इसके अंदर भर जाएगा और जब दूसरी सरफेस इसके ऊपर आएगी तो दोनों कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। और क्यों नहीं आ पाएंगे, उसका कारण है कि ये है ये है। ऑयल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक पोलर कंपाउंड और एक हाइड्रोकार्बन टेल, ये हर ऑयल के अंदर होगा। और ये जो होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जो होगी एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द मैटर, एब्जॉर्ब मीन उसकी सतह में रहेगा और पोलर जो है बाहर रहेगा। सिमिलरली दूसरी तरफ प्लेट में हाइड्रोकार्बन यहां आ जाएगा और ये यहां रहेगा। आपको पता है लाइक पोल रिपेल ईच अदर, और ये पोलर ये पोलर ये कभी इकट्ठे नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे तो फ्रिक्शन नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं होगी तो वियर एंड टियर नहीं होगा, वियर एंड टियर नहीं होगा तो हमारे ऑपरेटर्स की लाइफ बढ़ जाएगी। इतना ही मैंने अभी आपको बताया, अगर मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली मैं और आपको डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।
डॉक्टर चिब्बर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी, चाहे वो जो है लुब्रिकेंट हो चाहे फिर बायोफ्यूल हो, सारी चीजें आपने बताई। एक दो चीजें जो है मेरे मन मस्तिष्क में आ रही थी कि आपसे कुछ पूछें, जैसे आप अभी कह रहे थे कि जो एस्टर के रूप में आप जो बायोफ्यूल है उसको डीजल में मिलाते हैं और उसकी भी एक लिमिटेशन बता रहे हैं आप कि 20% करीब मिलाते हैं तो हम स्मूथली उसको रन कर सकते हैं, क्या ऐसी भी कोई रिसर्च है जो 20 से ऊपर, और मैं तो कहूंगा क्या ऐसा हो सकता है कि 100% हम जो है बायोफ्यूल और जो आप ये एस्टर कह रहे हैं एस्टर से ही हम गाड़ियां अपनी दौड़ाएं, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है और मैं ये इसका जवाब देना चाहूंगा। आपको जान के खुशी होगी कि अमेरिका में ये 100% एस्टर से भी गाड़ियां चलती हैं। सवाल ये आता है कि 100% एस्टर बनाना और इतना वेजिटेबल ऑयल सोर्सेस लेना ये भी संभव नहीं हो सकता। पर इसकी आपने अभी एक पूछा, मेरे से दूसरा सवाल पूछा था कि 20% हम इसको 40% तक ले जा सकते हैं, 60% तक भी ले जा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें इंजन में करनी पड़ेगी। और क्योंकि उसका भी कारण है, क्योंकि जब भी एस्टर हम मिक्स करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आने से हमारे पार्ट्स जो हैं अंदर, आपने क्या पार्ट्स हैं स्टील के पार्ट्स होते हैं उनको रस्ट लगने की हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास अभी कई मेथड और आ गए हैं। अभी मैं एक आपका इसी में संदर्भ में बताऊंगा, जेट्रोपा से हमने सिंगल स्टेप आईएपी में हमने प्रोसेस निकाला था जिससे कि एस्टर बना लेते थे जिसमें अल्कोहल नहीं बनती थी, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं आते थे, सीधा ही हम एस्टर बनाते थे। हाँ, ये एस्टर, क्योंकि एस्टर क्या है, अभी आपने कहा कि इसमें और डाल दें, एस्टर यह वो है मॉइस्चर एब्जॉर्बर है, ये ऊपर से एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेता है जिसकी वजह से हमारे इसके ईंधन को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। 40% तक हमने ट्रायल लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं आपको भी ये जान के खुशी होगी कि मेरा शोध कार्य भी इसी के ऊपर था, डीजल के ऊपर, और मैंने 60% भी मिक्स किया था तो उसमें भी मैंने गाड़ी चला के दिखाई, पर थोड़ी सी हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। बहुत अच्छा सर, क्या इससे कोई इंजन पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, यदि मैं अपनी गाड़ी में 40% वाला डालता हूँ तो ये तो नहीं मेरी गाड़ी 40% तक कोई इसमें असर नहीं है, बट 40 से ज्यादा पड़ेगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्बेंस ये ज्यादा हो जाता है जिससे हमारे पार्ट्स को खतरा हो सकता है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है जो कि पेट्रोल के केस में किया गया, वो इसमें किया गया, और बाकी इस केस में चलाने में गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बट एक्सेप्ट आपको जो इग्निशन है वो थोड़ा देर से होगा, क्योंकि वंस अगर कोई गाड़ी आप डीजल से चला रहे हैं तो इग्निशन एकदम हो जाएगा, अगर वो ब्लेंडेड है बायो डीजल तो थोड़ा सा उसके में 20% तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 40% भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मोर देन 40 फिर समस्या आज। इसका अर्थ ये हुआ सर कि जो हमारी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर जो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनका और हमारे जो R&D सेक्शन है उनका एक सामंजस्य होना चाहिए ताकि इस टाइप का कुछ इंजन डेवलप हो पाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा फरमाया, और ये होगा, होने भी जा रहा है, और एज पर जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ईंधन को हम बायो डीजल बायोफ्यूल बायो पेट्रोल अब 2000 मेरे ख्याल 20 तक सारे अभी भी दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे में बायो डीजल बायो पेट्रोल मिल रहा है। उसमें अब मैं इसमें संदर्भ में थोड़ा सा आपको कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, बायो पेट्रोल में कार्बोरेटर होता है जी। उसमें फ्लोटर होता है जी। फ्लोटर डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द फ्यूल। अब ये लाइटर, अब क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाती है, तो उन्होंने फ्लोटर भी डिजाइन कर दिया है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फ्यूल भी 40% 60% तक भी आप अल्कोहल ऐड कर सकते। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, ये अपेक्षा करेंगे कि ये भी हो सकता है कि कभी हम जो है 100% अमेरिका की तरह जो है अपने बायोफ्यूल से चलाएं। लेकिन फिर एक प्रश्न ये उठ रहा है
कि माना कि हम बायोफ्यूल से ही सारा कुछ चलाते हैं, लेकिन क्या इतना बायोफ्यूल हमारे पास उपलब्ध हो पाएगा? बहुत दूसरी चीज सुंदर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने बताया कि एस्टर हम मिलाते हैं, और एस्टर जो आप बता रहे थे शायद वो साल सीड की हम बात कर रहे थे, साल सीड से हमने जठरोपा के बारे में भी सुना है कि उससे भी बनता है। क्या कुछ और भी ऐसी हमारे पास वनस्पतियां हैं जो कि सामान्य तौर पे हम यूज कम करते हो जिससे कि हम पे वो इफेक्ट न पड़े और उसको जो है बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या कुछ ऐसा भी है या फिर इस पे कुछ रिसर्च जारी है क्या? बिल्कुल बहुत है प्लांट हमारे पास। अभी आपने कहा कि साल सीड, और ये जान के आपको खुशी होगी कि हिंदुस्तान में मैक्सिमम साल सीड हमारे उत्तराखंड में पाया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल और साल सीड में आपको ऑयल कंटेंट के बारे में मैं बता दूं, 45% ऑयल है इसके अंदर। ये सीड्स इतना अच्छा सीड्स है, इतना ऑयल जट्रोपा में नहीं पाया जाता जितना साल सीड में पाया जाता है। साल सीड जंगली फूल है, बिल्कुल बिल्कुल है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी, आपने एक क्वेश्चन पूछा कि एस्टर, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, खाने के तेल से भी हम बहुत बढ़िया बना सकते हैं, पर खाने का तेल तो हमारे पास लिमिटेड है, बिल्कुल हमारे लोगों के तक नहीं पहुंच उसी पाता। आवश्यकता है। ये नॉन इनेबल ऑयल, ये भी हमारे पास अभी लिमिट है, जितनी रिसर्च होनी चाहिए अभी नहीं है, पर इसकी यूटिलिटी आ रही है, लोगों की जागरूकता आ रही है और लोग इसके प्रति जागरूक हो गए हैं। अब आपने कहा साल सीड, इसके अलावा क्रंज ऑयल है, नीम ऑयल है हमारे पास, महुआ ऑयल है हमारे पास, कई प्रकार की। अभी मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, आपको जान के खुशी होगी, उसका नाम अभी मुझे पता नहीं, सीड इज ऑफ दिस बिगर टाइप। मैं नेक्स्ट टाइम अगर पीपीटी करूंगा तो आपको सीड बताऊंगा, एंड दैट सीड कंटेन 45% ऑफ ऑयल कंटेंट, एंड दैट इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट एरिया। वन ऑफ माई स्टूडेंट हु इज डूइंग हिज पीएचडी ऑन दैट ऑयल सीड, बट स्टिल फॉर सो फॉर आई एम नॉट एबल टू एनालाइज वॉट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन दैट ऑयल, लिनोलिनिक एसिड, लिनोनिक एसिड, number of acids are present because we have to take the fatty acids from that and from fatty acid we have to convert them into ester। Very good sir। ऐसे सर जो है थोड़ा सा जैसे आप बायोफ्यूल उसके डीजल में मिलाने की जो एस्टर की बात कर रहे हैं, ऐसे पेट्रोल में मिलाने के लिए आप जो है अल्कोहल की बात कर रहे थे, तो क्या उसके सोर्स के बारे में, कुछ अतिरिक्त सोर्सों के बारे में कुछ बताएंगे आपकी, उसके क्या क्या हमारे पास जो उपलब्ध सोर्स हो सकते हैं, खासतौर पर उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा, क्योंकि हम रिच हैं हर मामले में इस बायोडाइवर्सिटी के रूप में, तो क्या यहाँ पे अल्कोहल के रूप में कुछ हम नई प्रजातियां देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रजातियां हैं। सबसे बड़ा तो हमारे यहाँ गन्ने की खेती बहुत है, जिसमें कोई इसमें कोई भी दो राय नहीं है, गन्ना हमारे पास सरप्लस है, ऐसा नहीं है। और भी प्रजातियां हैं जिसके ऊपर हमारा शोध कार्य चल रहा है। इवन हमने आपको आपको ये बता दें कि इसके अलावा हमने देखा है कि हमारा उत्तराखंड फुल ऑफ ये टी सीड्स, चाय के ये बगान बहुत है, ये सीड्स में भी ऑयल है, पर ये ऑयल कंटेंट इसमें कम आ रहा है, इसमें 20% ऑयल है, जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल करने में अभी झिझक रहे हैं। पर हमारे पास इसके अलावा भी बड़ी प्रजातियां हैं जिनके ऊपर शोध कार्य चल रहा है। अभी तक हमने ये अल्कोहल जो है ये आपके गन्ने से लिया है, गन्ने के छिलके से भी हमने, क्या जो छिलका आप गन्ना रस निकाल लेते हैं और छिलका बचता है, आपको जान के खुशी होगी कि छिलके को ईंधन के रूप में भी यूज करते हैं और अल्कोहल भी इसमें से निकालते हैं, दोनों कार्य हम इसमें कर सकते हैं। इसमें मैं अपने IIP इंडियन ऑयल का, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें इस लाइक बनाया, और मेरे कुलीग डॉक्टर SK खन्ना साहब जिन्होंने, इनके साथ मिलके हमने बहुत शोध कार्य किए, और आने वाले भी जब तक हमारी आयु है हम इस शोध कार्य करते रहेंगे और अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा सर, एक चीज बस लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था, बायोफ्यूल के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया, ऐसे ही आपने लुब्रिकेंट के बारे में भी बहुत अच्छा बताया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बायो लुब्रिकेंट के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से कुछ बताएं तो हमारे बच्चे जो है उससे लाभान्वित होंगे, कि बायो लुब्रिकेंट किस प्रकार से हमारे यहाँ जो उपलब्ध वनस्पति है उनसे किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं, कौन कौन उसके लिए जो है मुख्य तौर पर फायदेमंद है? बायो लुब्रिकेंट के लिए भी मैं आपको ये बता दूं, ये एस्टर ही हम मिक्स करते हैं, मिनरल लुब्रिकेंट है, और इसमें ब्लेंड कर देते हैं, इसको हम 45% तक ले जा सकते हैं। और ये जो बायो लुब्रिकेंट बनाएंगे, और आपको मैं ये बता दूं, ये बायो लुब्रिकेंट हम इसकी कई किस्में बना सकते हैं,
जैसे कटिंग ऑयल आपने देखते हो, आप जो भी कोई लोहा काट रहे होते हो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और वो क्या है उसके ऊपर हम स्प्रे करते हैं, लिक्विड आता है और ये बायो फ्लूइड उसकी हीट को कम कर देता है और उसमें सहायता करता है कि उसका डिफॉर्म ना हो। एंड और भी बहुत बायो लुब्रिकेंट एवरीवेयर वी आर मेकिंग यूज ऑफ इट, हर चीज लुब्रिकेंट के बिना तो हम चल ही नहीं सकते। मेन कारण क्या है लुब्रिकेंट का, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, और ये क्या है हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने से अगर दो प्लेटों में भी दो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो अपनी शक्ल डिफॉर्म कर देंगे, उस डिफॉर्म करने को बचाने के लिए, उसके लाइफ को बढ़ाने के लिए, टूट सकती है, वेल्ड हो सकती है, इन सब चीजों को बचाने के लिए लुब्रिकेंट का सहारा लिया जाता है, और जिसमें बायो लुब्रिकेंट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। सबसे बड़ी हमारी जो उपलब्धि है कि अचीवमेंट है कि बायो लुब्रिकेंट से हम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हैं, बिल्कुल इको फ्रेंडली हैं, जिससे कि हमारा वातावरण कम से कम दूषित होता है, जो कि हमें बहुत जरूरी है। हमने अपने उत्तराखंड को बचाना है, आगे ले जाना है, ये कार्य हम आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। आप आईआईपी जैसे संस्थान में जो है वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पे रहे, बीएफआईटी में आप जो है डीन के पद पे हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में बहुत सारे आप शोध कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप बार बार जो है यूसर्क इस हमारी इस संस्था में आए और हमारे बच्चों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।